बात करते हैं फिल्म लुक्का छिप्पी की रिव्यू की, तो हम आपको बता दें कि इस फिल्म में दोनों किरदार यानी कि गुड्डू जो कि कार्तिक आर्यन है और रश्मि कृति सेनन भी छिपकर प्यार करते हैं। फिल्म का भी टाइटल रखा गया है इसी के हिसाब से जो कि है लुक्का छिप्पी। वहीं मूवी में एक खास बात यह है कि इसमें एक प्यार करने वाले जोड़े के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि नए युग में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर समाज का कैसा रवैया है, हम युवाओं पर कैसे एक शादी थोप देते हैं, कैसे आए दिन प्यार का कत्ल होता है, मन की कसक एक टीस बनकर दिलों में चुभती रहती है, लोग शादी को अपनाए बिना ही शादी कर लेते हैं, किसी अनजान के साथ ताउम्र रहना कबूल कर लेते हैं, रिलेशनशिप एक समझौता नहीं है, साथ ही प्यार और शादी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहना क्यों सही है, ये फिल्म में समझाने की कोशिश की गई है। वहीं कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुड्डू माथुर की है जो मथुरा में एक टेलीविज़न रिपोर्टर है। गुड्डन को रश्मि नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और रश्मि एक दबंग नेता त्रिवेदी जी की बेटी है। वहीं त्रिवेदी जी कट्टर हिंदूवादी हैं और पुरानी धारणाओं से भरे हुए हैं। उनकी नज़र में वो लोग सबसे ज़्यादा बुरे हैं जो कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अब त्रिवेदी जी की बेटी रश्मि जो गुड्डू से प्यार तो करती है मगर शादी नहीं करना चाहती है, वो उस शख्स को अच्छे से जान लेना चाहती है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी की कोशिश में लगी रहती है, मतलब बिताना चाहती है। वहीं अपने पिता के प्रकोप से वाकिफ होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में समझौता नहीं करना चाहती है और लिविंग में रहना चाहती है, मगर गुड्डू को शादी की ज़्यादा जल्दी रहती है। अपने परिवार वालों के और रश्मि के पिता के डर के वजह से वो लिविंग में रहने से डरता है। वहीं गुड्डू एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बड़ा परिवार है और जैसा कि आमतौर पर हर मिडिल क्लास फैमिली होती है वैसा ही है, समाज में इज्जत से रहने और मान मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत करने वाला परिवार। ऐसे में गुड्डू की मदद उसके साथ ही काम करने वाले दोस्त अब्बास करता है। वहीं अब्बास की मदद से जो रायता फैलता है, साथ ही लिविंग में रहने और शादी करने के लिए उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये जानने के लिए आप थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं और 2 घंटे की इस इंटरटेनमेंट मूवी को दे जाके देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म क्यों देखना चाहिए, फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है मगर जितनी भी है उसे फिल्माया बहुत खूबसूरती से गया है। फिल्म में रोचक किरदारों को जिस तरह से पेश किया गया है वो शुरू से अंत तक आपकी हंसी को रुकने नहीं देगा। कार्तिक आर्यन और कृति की एक्टिंग भी अच्छी है। कृति फिल्म में एक समझदार लड़की का रोल प्ले कर रही है जो अपने जीवन का कोई भी फैसला काफ़ी सोच समझ कर लेती है। वहीं कार्तिक को हर चीज़ में ज़रा जल्दबाजी रहती है। फिल्म में जिस तरह से दोनों शादी करने के लिए स्ट्रगल करते हैं ये देखना रोचक है। मूवी के एक सीन में कृति और कार्तिक लिविंग को अपराध करार दिए जाने पर कहते हैं कि ये एक अपराध नहीं मुद्दा है, तो फिल्म को इसी मुद्दे पर बनाया गया है। बस इसके फिल्माने के तरीकों को गंभीर ना रखते हुए कॉमिक रख दिया गया है, कॉमेडी रख दी गई है इस फिल्म में, वहीं जिस वजह से दर्शक फिल्म को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। वहीं फिल्म क्यों ना देखें इसकी भी हम वजह आपको बता देते हैं कि फिल्म का देखने की कोई बड़ी वजह नहीं है। आज के दौर में हर शख्स काम के तनाव में है, ऐसे में लुक्का छिप्पी आपके लिए बेस्ट टाइम पास साबित हो सकती है। अगर आप फिल्म में रोमांस से लदे ज़्यादा सीन देखने के आदी हैं या फिर आपको फेवरेट जॉनर रोमांटिक फिल्म है तो आप लुक्का छिप्पी को थोड़ा निराश कर सकती है आपको। वहीं फिल्म में कार्तिक और कृति के बीच की केमिस्ट्री और प्यार कॉमेडी का ओवरडोज डालने के चक्कर में कहीं दब गया है। वहीं पंकज त्रिपाठी भी इस मूवी में है। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक और कृति के रोमांस पर हावी होता नज़र आया है। वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जोरदार कमाई कर सकती है। फिल्म में अभिनय की विविधता के धनी पंकज त्रिपाठी के कई सारे सीन अपने नाम के हैं। इसके अलावा ये फिल्म पूरी तरह से युवा केंद्रित फिल्म है। फिल्म की कमाई धमाकेदार होने की संभावना है।